नमस्कार साथियों, मेरा नाम रत्ना है और मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ और साथियों आज मैं जो बनाने वाली हूँ वो मिक्सी सब्जी मैं कई बार बना चुकी थी पर वो बात नहीं आई। लेकिन जब से हमारी न्यूट्रिशन मैम ने बताई है तो सब्जी घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई है और मेरी फेवरेट हो गई है। तो मैंने जो जो सामान यूज़ किया है, इसमें एक नॉर्मल प्याज, एक नॉर्मल टमाटर, दो हरी मिर्ची, 4 से 6 लहसुन की कलियाँ जो मैंने बारीक काट ली हैं, और आधा इंच अदरक जो मैंने कद्दूकस कर लिया है, और 8 से 10 मेरी ये बीन्स है, एक नॉर्मल गाजर, और 8 से 10 मटर के दाने, हरा धनिया, और एक नॉर्मल शिमला मिर्च, एक नॉर्मल आलू, और मैंने आधी कटोरी चने और मूंग भिगोए थे तो उसमें अंकुर निकल गया है, आधा कटोरी ये है, और ये मेरा पनीर 50 ग्राम, और साथ ही मेरा मसाला नमक स्वाद के अनुसार, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर और एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और साथियों ये है मेरे पनीर के पराठे बनाने के लिए, जो मैंने पनीर को मैश कर रखा है। इसमें मैंने डाल रखी है हरी धनिया और मैंने अंकुरित मूंग दाल और चनों को हल्का दरदरा करके मैंने इसमें मिक्स किया है, और ये मेरा मल्टीग्रेन आटा। तो साथियों आइए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन सब चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदा है, यह हमारे शरीर के लिए हर तरह से फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें प्रोटीन भी है, आयरन भी है, न्यूट्रिशन भी है, कैल्शियम भी है, और भरपूर मात्रा में प्रोटीन जो हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैंने गैस ऑन कर दी, कढ़ाई चढ़ा दी मैंने, मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच, दो बड़े टेबलस्पून मैंने डाला है इसमें तेल। तेल हमारा जैसे ही गर्म होगा हम इसमें डालेंगे सबसे पहले लहसुन, लहसुनों को हमें हल्का ब्राउन करना है। और साथ ही जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सब्जी बनाई तो घर में सबको बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने इसमें मूंग की दाल और अंकुरित चने भी जब मिक्स किए तो घर में और सबको पसंद आने लगी। तो अब हमारे घर में अब ये कहने लगे हैं सभी के सभी कि हफ्ते में एक बार ही मिक्सी सब्जी ज़रूर बनाया करती। मैं कह चुकी हूँ हमारे लहसुन हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हल्की सी ब्राउन, ज़्यादा नहीं। इसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे अदरक, प्याज और रेसिपी के साथ साथ, और हरी मिर्ची भी। Thank you.
हरी सब्जी हमारे लिए हर तरह से फायदेमंद ही फायदेमंद है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है, कलरफुल। हमारी प्याज हो गई है, हम इसमें डालेंगे टमाटर। डालने से हमारे टमाटर जल्दी बन जाते हैं। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से और ये है हमारा थोड़ा चम्मच धनिया पाउडर, हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। ताकि हमारे आलू जल्दी से गल जाए। बाकी चीजें हम डालेंगे आलू के गलने के बाद। इतने हमारे आलू गलते हैं, इतने हम इन्हें हम पराठों की कर लेते हैं तैयारी। हम इनकी लोइयों में भर लेंगे पनीर की पिट्ठी। और बीच बीच में इन्हें चलाते भी रहें।
ये हमने अपनी लोयो में भर ली है पनीर की पिच्छी। बस इन्हें बेलना बाकी है, वो हम अभी करते हैं। हम अपने आलू को थोड़ा ढक देते हैं ताकि जल्दी से पक जाए। हमारे आलू हो रहे हैं, हम साथ के साथ इसमें डाल देंगे दाल चावल। मसाले के साथ साथ बीन्स भी डाल देंगे। खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है मसालों की। अब हम ये ढक देंगे, इसलिए ये हमारा पकौड़ा तैयार होगा। इसमें हम करते हैं शिफ्ट। हमारी सब्जी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से बढ़ जाती है। और हमें हमेशा लास्ट में डालना चाहिए ये अंकुरित हमारी मूंग दाल और चनों को, क्योंकि इन्हें हमें ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। मैंने जब पहली बारी अपने पराठों में ये चने और मूंग की दाल को दरदरा करके डाला था, बहुत ही टेस्टी लगे और बहुत ही क्रंची पराठे बने थे। हमारा तवा गरम हो रहा है, हम पराठे को डालते हैं तवे पे। देखते हैं, हम दूसरा पराठा बेल लेते हैं। अगर हम ये चने को और मूंग की दाल को दरदरा पीस लेते तो हमारे पराठे फटते भी नहीं और बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये शिमला मिर्च भी अपनी सब्जी में।
इन्हें हम थोड़ा सा और ढककर पकाएंगे क्योंकि आलूओं में अभी टाइम लगेगा। और यहाँ हम अपने पराठे को आप चाहें तो रिफाइन के बनाए, आप चाहें तो देसी घी के भी पराठे बना सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। पराठा सीख रहा है, मैं सब्जी को एक बार और चला लूं। आलू नहीं हुए हैं बस अभी आलू के होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, ढककर पकाते हैं थोड़ा। और पराठा ये तैयार हो गया है, इसमें दूध का पराठा डालते हैं। आलू हमारे हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे हम मूंग दाल और चने। इन्हें हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट, और साथ के साथ हम डाल देंगे पनीर। अब हम मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर कलर आया, कितना सुंदर लग रहा है सब्जी का रंग, हरी भरी सब्जी हमारी। बस अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। इतने जो हमारे आलू में जो कसक है वो भी पूरी हो जाएगी और हमारे पराठे तैयार हो गए हैं लगभग। पराठा
पर सीखता है। कहते हैं हम एक बार सब्जी को और जला लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा बना ढकने की पका लेंगे। हमारी सब्जी भी पककर तैयार हो गई है और हमारे पराठे भी बहुत ही बड़े गैस ऑफ और सब्जी को निकालेंगे। तो साथिये आइए और चखिए मिक्स सब्जी पनीर के पराठे और साथ में है ये पुदीने और हरे धनिए और 4-5 लहसुन की कलियां और एक छोटा सा आधे इंच से भी कम अदरक का टुकड़ा, उसकी चटनी और ये है मट्ठा साथ में तड़के वाला। तो आइए और टेस्ट करके बताइए कैसी बनी है।